आज हम अहमदाबाद के बाशिंदे इस वक्त जहानाबाद रोड पर खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और अक्सर दूसरी जगहों पर भी पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ के नौजवान और माशाल्लाह हमारे बड़े बूढ़े तकरीबन कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं और मेमोरेंडम भी पेश किया गया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त तक अभी तक किसी ने भी किसी कोई भी डिपार्टमेंट ने भी हमारे इस मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की है। और आज दो दिन पहले जिस तरह से मीडिया में इस बात को उछाला गया और इसका पूरा दोष यहाँ के रहने वालों को दिया गया, उसका हमें बड़ा अफसोस है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मीडिया है इस वक्त जो हमारे साथ इस वक्त खड़ी है, मैं आपसे आना गुजारिश करता हूँ कि इसका दूसरा रुख जो हुकूमत है, जो यहाँ की पंचायत है, उन्होंने इस मामले में जो भी काम नहीं किया है, इस बात को भी उजागर किया जाए ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए और डिपार्टमेंट को भी मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है। ये किसी का कोई शौक नहीं है कि कोई कचरा अपने घर का उठा के अपने घर के बाहर फेंक दे, ये एक मजबूरी है और ये मजबूरी के साथ जो कुछ हो रहा है, वरना ये कोई नहीं चाहता। वरना अगर यहाँ के इस तरह से होता तो यहाँ के बाशिंदे इस तरह से कोशिश नहीं करते और इस तरह से 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात सब कहना पड़ता है पंचायत इसका कोई भी मेंबर हमारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात को कहते यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज इस बात पर हम लोग यहाँ पर जमा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रपोजल्स देने के बावजूद भी कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा दुख हमको इस बात पर है और सबसे बड़ी बात इस बात को हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, इस बात को लेकर हमारे बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों ने साइलेंट प्रोटेस्ट करने का इरादा किया। क्यों? जो लोग पाकी आदा ईमान है और इस सब नसीहत करने वाले खुद दूसरों को सजेशंस और दूसरों को रिकमेंड करने वाले खुद अपनी जो है फिरदौस नगर या मदीना को ले जो भी अतराफ का जो भी एरिया है खुद वहाँ पर पार्क करके इधर आके डंपिंग कर रहे हैं और इल्ज़ाम हमारे सर पर भुगत रहे हैं कि अहमदाबाद के बाशिंदे को कोई इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है और एक और जो इल्ज़ाम है एक दूसरों के सरों पर डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस बात का इंटीमेशन लेकर कि अगर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट हेबले पंचायत की जो गवर्नमेंट है अगर ये काम नहीं कर रही है तो 90 डेज के अंदर 3 महीने के अंदर हमको हमारा एरिया छोड़कर दे दे या हम जनरल मीटिंग करके या तो म्यूनसिपालिटी में या जालीपटन पंचायत में शिफ्ट करने वाले हैं और हेबले पंचायत को अलविदा कहने वाले हैं। और सबसे और एक बात है जो मीडिया जो मीडिया के जो लोग रहते हैं जो इस शहर के एक नमूने तौर पर एक मीडिया के जो लोग हैं जो दो दिन पहले ही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका था और वो लोग जो मीडिया के द्वारा जो बात कही गई थी वो हरगिज़ पेश नहीं करते, बस इनका इल्ज़ाम दूसरों के स्तर पर डालकर मामला ख़त्म कर देते हैं। और हम लोग आज इंटीमेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को और पूरे सिविक्स बॉडीज को प्रपोजल कर रहे हैं कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो हमारा एरिया को छोड़कर चले जाए या छोड़कर दे दे, हम लोग जनरल मीटिंग पास करके अहमदाबाद फ्रेंड्स फोरम के द्वारा या तो म्यूनसिपालिटी में या हेबले पंचायत में शिफ्ट करेंगे। ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಡುಪಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಸದ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವು ಗಾಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಟಾಟಾ ಎಸ್ಸು, ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಸ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಸದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಸಹ ಕಸ ಈಗ ತೆಗೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಡಿಗೆ, ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಂಗಳ ಇದ್ದವರು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ ಹಾಕಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೋರು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ 1-11
ಒಂದೊಂದು ಗೋಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಧಿಕ್